हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हो कि बढ़िया होंगे। रूथलेस आशा की एक फ्रेश न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं ऐसा गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कोई भी प्लेयर हो, बिगनर्स हो कि आप प्रो प्लेयर हो, मेरे को पता नहीं, पर सभी लोग प्रो प्लेयर बन जाओगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बंदे को प्रॉब्लम होते हैं जो बिगनर से, उसको प्रॉब्लम होता है कि कौन सा गाना यूज़ करें, एसोल्ट राइफल के अंदर कौन सा गाना यूज़ करें। एयर मतलब स्कार भी आता है, AK भी आता है और M41 भी आता है, तो कौन सा गाना यूज़ करें उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो ज़्यादा बात ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। ट्रेनिंग ग्राउंड ही ऐसा ग्राउंड है जिसके अंदर आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, मतलब एयर गन के सब कुछ, जो जो गन है सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हम लोग आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। फर्स्ट बात करते हैं ऑग और M94 के बारे में। ऑग के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? ऑग के अंदर आपको लगा सकते हो मजल, स्टॉक और ग्रिप। मजल के अंदर आपको लेवल सी का मजल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और स्टॉक लेवल थी का स्टॉक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टॉक आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं, माजल आपको मतलब डैमेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास साइलेंसर है तब भी चल जाएगा, अगर आपके पास माजल है तब भी चल जाएगा, लेवल टू का माजल भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट बाईपॉट मत लगाना, लेवल टू का फॉरगिव है, फॉरगिव ही लगाना, क्योंकि फॉरगिव के साथ ऑग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि ऑग के साथ आप लोग हर वक्त माजल और फॉरगिव के साथ ही जाना। साइलेंसर लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, साइलेंसर लगा सकते हो, बट हमेशा माजल और स्टॉक के साथ ही जाना। ठीक है, अब आज आ चुके हैं हम लोग M94 के बारे में। M94 के अंदर आप लोग लगा सकते हो स्टॉक और फॉरगिव। माजल की यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, साइलेंसर भी नहीं लगा सकते। तो गाइस, स्टॉक के अंदर मैं बात कर स्टॉक के अंदर गाइस, आप लेवल 2 का स्टॉक भी लगा सकते हो और लेवल 3 का स्टॉक भी लगा सकते हो। तो और ग्रिप के अंदर लेवल 3 का ग्रिप अगर हो तो बहुत बढ़िया होता है, लेवल 2 का ग्रिप भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टॉक लेवल 3 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइस, देख सकते हो अगर आपके पास डबल डैमेज वाला गन है, मतलब M94 का स्किन है, तब तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं है तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ स्टॉक और फॉरगिव के अंदर लेवल 3 का फॉरगिव। बाईपॉड मत लगाना, बाईपॉड मत ही लगाओ तो बेटर है, लेवल 2 का फॉरगिव भी चल जाएगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले M60 के अंदर। M60 के कोई भी अटैचमेंट नहीं लगता है, आप लोग देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लगता है एक चार्जर। M60 का जो चार्जर होता है, वो चार्जर लगाना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि चार्जर के मतलब आप लोग अगर चार्जर लगाते हो, आप लोग अगर स्प्रे करते हो, स्प्रे जिसको बोलते हैं कि ढेर करके गोली चलाते हो, तो गाइस चार्जर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चार्जर आपको डैमेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस चार्जर लगाना, नया फीचर्स आए तो यूज़ करो, और लेवल 4 का स्कोप तो लगाना ही है। आप लोग लेवल 2 का भी लगा सकते हो, लेवल 4 का भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट गन के अंदर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट गन हम लोग बात करेंगे XM8। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं XM8 के बारे में। XM8 के अंदर आप लोग लेवल 6 का माजल भी लगा सकते हो, साइलेंसर भी लगा सकते हो। अगर आपके पास साइलेंसर है तो गाइस साइलेंसर ही लगाओ, क्योंकि साइलेंसर के साथ XM8 बहुत अच्छा काम करते हैं। और हो सके तो फॉरगिव मत लगाओ, बाईपॉड लगाओ, क्योंकि बाईपॉड के साथ मेरे ऐसा होता है कि 10 में से 8 बंदे को हेड लगते हैं बाईपॉड के साथ, बाईपॉड और साइलेंसर के साथ। बाईपॉड और माजल हो तो फॉरगिव लगाओ। आपके पास माजल और मतलब साइलेंसर दोनों के बीच में अगर माजल है तो गाइज आप लोग फॉरगिव के साथ जाओ। अगर आपके पास साइलेंसर है तो अगर तो गाइज आप लोग बाईपॉड के साथ जा सकते हो। और स्टॉक के बारे में मैं बता देता हूँ, स्टॉक लेवल 2 का स्टॉक भी चलेगा, लेवल 3 का स्टॉक भी चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट गन के अंदर हम लोग जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन ऑफ और फामास के बारे में। तो ड्रैगन ऑफ के अंदर आप लोग साइलेंसर मत लगाओ, क्योंकि ड्रैगन ऑफ माजल के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। और बाईपॉड भी मत लगाओ, लेवल 2 का ग्रिप भी चल जाएगा, लेवल 1 का ग्रिप है तो बाईपॉड लगा सकते हो, लेवल 2 का ग्रिप है तो ग्रिप ही लगाओ, लेवल 3 का ग्रिप है तो कोई बात नहीं, मज़ा मतलब मक्खन की तरह चलेंगे। और स्टॉक के बारे में मैं बता देता हूँ, लेवल 2 का स्टॉक चल जाएगा, लेवल मतलब स्टॉक के अंदर क्या बताऊँ, स्टॉक ऐसा है कि एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है आपको। लेवल 3 का स्टॉक है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर आपके पास लेवल 2 का स्टॉक है तब भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं चलेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अब आते हैं फार्मास के बारे में। फार्मास के अंदर गाइस
एक टाइम पे ऐसा था कि फार्मास बहुत ही बढ़िया गन था, बहुत ही अजुआई, मतलब बहुत बड़े 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 यूट्यूबर ऐसे यूज़ करते थे फार्मास को। तो गाइस फार्मास के अंदर आप लोग साइलेंसर लगा सकते हो, लेवल थ्री का ग्रिप लगा सकते हो, और स्टॉक के अंदर लेवल थ्री का स्टॉक लगा सकते हो। लेवल थ्री का स्टॉक अगर नहीं भी मिलता, लेवल टू का स्टॉक भी चल जाएगा। ग्रिप के अंदर आपको ग्रिप ही लगाना चाहिए, बाइपॉड नहीं लगा तो ही बेटर है, और साइलेंसर तो मस्त चलेंगे मस्त। गाइस अब ऐसा सीन है कि फार्मास को यूज़ ही नहीं करता, आप लोग फार्मास चाहे तो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो अप डाउन सेटअप मार सकते हो उसके लिए तो फार्मास बहुत ही बढ़िया गन है, और अगर नहीं मार सकते हो तो फार्मास में रैंक में प्रेफर नहीं करो, ठीक है। तो नेक्स्ट गन के अंदर हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट गन हम लोग क्या लेने वाले हैं, हम लोग लेने वाले मशीन गन। मशीन गन के साथ साथ एक और गन ले रहे थे, दोनों गन होता तो अच्छा होता। तो गाइज हम लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं मशीन गन और इसके के साथ। इस केस में आप लोग लेवल थ्री का मज़र में ज़्यादा प्रोवाइड मतलब रिकमेंड करूँगा, क्योंकि लेवल थ्री के मज़र के साथ आपको डैमेज ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। स्टॉक के अंदर आप लोग लेवल थ्री का स्टॉक लगा सकते हो, और फॉरगिव के अंदर आपको फॉरगिव भी लगा सकते हो या फिर बाइपॉड भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस केस बहुत ही बढ़िया गन है, और अगर आप वन टैप लगा सकते हो तो गाइज मतलब इस केस से बढ़िया गन हो ही नहीं सकता। और इसके बाद आ जाते हैं मशीन गन के अंदर। गाइज मशीन गन में ऐसा बात है कि मशीन गन आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट लेवल फोर का एक स्कोप लगाओ और ढाई करके उड़ा दो, सब कुछ उड़ा दो, ऐसा सीन है। तो मशीन गन के अंदर, मशीन गन के अंदर ज़्यादा बात ना करते हो, नेक्स्ट गन के अंदर चला जाता हूँ। नेक्स्ट गन के अंदर या फिर असॉल्ट राइफल के अंदर VSS क्यों दिया है ये मुझे को पता नहीं चला, VSS के बारे में अगले दिन बात करेंगे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं क्यूपिड, क्यूपिड मतलब स्कार और क्रोजा के बीच में। स्कार मतलब स्कार के अंदर आपके पास क्यूपिड नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई भी स्किन है आप लोग साइलेंसर आग बंद करके लगा सकते हो। लेवल थ्री का मजल आपके पास है तो लगाओ, साइलेंसर नहीं है तो लेवल थ्री का मजल लगाओ। अगर साइलेंसर आपको मिल जाता है और एक बाइपॉड मिल जाता है तो गाइस उस रैंक मैच को आपको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि 10 में से 8 हेड ही लगेंगे अगर आप बाइपॉड के साथ साइलेंसर यूज़ करते हो, ठीक है। दूसरी बात मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मजल है तो गाइस आप लोग फॉरगिव के साथ जा सकते हो, अगर आपके पास साइलेंसर है तो गाइस आप लोग बाइपॉड के साथ जाओ, ठीक है। क्यूपिड के अंदर मैं जो जो जानता था मतलब मेरे को जो जो पता था मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे पास क्यूपिड है, बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं क्रोजा के अंदर। क्रोजा में आप लोग कभी भी साइलेंसर मत यूज़ करना, अगर आपके पास साइलेंसर है तब भी मत यूज़ करना। लेवल टू का अगर मजल भी है मजल यूज़ करना, क्योंकि क्रोजा के अंदर मजल मस्त चलता है मस्त। और गाइस स्टॉक के अंदर आप लोग लेवल थ्री का स्टॉक यूज़ कर सकते हो, लेवल टू का अगर स्टॉक भी मिलता है तो भी चलेगा, बाइपॉड मत यूज़ करना। फॉरगिव अगर लेवल टू का मिलता है तो लेवल टू का फॉरगिव भी यूज़ कर सकते हो। क्रोजा मस्त चलता है, क्रोजा के पास मेरा कोई स्किन नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा स्किन के साथ मतलब नहीं बोल सकता कैसे चलता है क्या नहीं चलता। अगर आपके पास डबल डेटा फायर का स्किन है तो गाइस आप लोग क्रोजा के साथ मजल के साथ यूज़ करो, हेड लगेंगे ही लगेंगे, ये मेरा वादा है। तो नेक्स्ट गन के अंदर हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट गन आ जाता है M14 के साथ हम लोग यूज़ करेंगे AK। तो गाइस M14 के अंदर आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि M14 के अंदर आपको एक चार्जर मिल जाता है, अगर चार्जर नहीं मिलता है तो टुकुश 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 करके चलेगा, और अगर चार्जर मिल जाता है तो ढड़े 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 करके चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो गाइस AK बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गन है इस मैच में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। बट AK में एक प्रॉब्लम है कि AK रिकॉल बहुत करते हैं। गाइस देख सकते हो AK का जो मैं फायर कर रहा हूँ जो सर्कल है उस सर्कल बड़ा होते जा रहा है। तो गाइस AK के अंदर हम लोग बोलेंगे कि जितना हो सके लेवल थ्री का सब कुछ यूज़ करो, सब कुछ लेवल थ्री का ही यूज़ करो, और M14 के साथ मैं बोलूँगा साइलेंसर यूज़ करो, ग्रिप के साथ साइलेंसर यूज़ करो, ठीक है। तो गाइस जाते हैं नेक्स्ट गन के अंदर। तो गाइस नेक्स्ट गन हम लोग देख सकते हैं M41 है। तो M41 के साथ ऐसा सीन है कि M41 रिकॉल नहीं करता है, AK ऐसा है कि रिकॉल ही रिकॉल करते हैं, M41 बिल्कुल भी रिकॉल नहीं करता, इसलिए हेड लेने के लिए आप लोग अगर हेड शॉट ज़्यादा लेते हो तो गाइस M41 मस्त गन है। M41 के साथ मजल भी चल जाएगा, साइलेंसर भी चल जाएगा, कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा M41 के साथ। स्टॉक अगर लेवल 2 का स्टॉक है तब भी चल जाएगा, लेवल 3 का स्टॉक है तब भी चल जाएगा, लेवल 1 का स्टॉक है तब भी चल जाएगा,
ग्रिप के अंदर मैं ऐसा बोलूंगा कि ग्रिप ही लगाओ, बाइपॉड मत लगाओ, साइलेंसर है तो बाइपॉड लगाओ, साइलेंसर नहीं है तो ग्रिप लगाओ, ठीक है। लेवल 3 का, लेवल 2 का कोई ऐसा सीन नहीं है, लेवल 2 का भी आप लोग ग्रिप लगा सकते हो। नेक्स्ट गन के अंदर हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट गन हम लोग बात करेंगे पैराफेरल, ठीक है। और एक गन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो अभी तक रैंक में नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया। तो गाइस पैराफेरल ऐसा बात कर सकते हो कि M14 का कोई रिश्तेदार है, ठीक है, क्योंकि पैराफेरल बहुत ही अच्छा गन है। अगर आप लोग हेड मार सकते हो तो ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया गन है, बहुत ही बढ़िया गन है। उसके अंदर कोई चार्जर वार्जर लगाने का कोई सीन नहीं है। लेवल 3 का मजल लगा सकते हो, लेवल साइलेंसर, साइलेंसर आप ना ही लगाओ तो ही बेटर है। लेवल 3 का अगर मजल है तो मजल लगाओ। फॉरगिव नहीं भी लगा सकते हो, बाइपॉड के साथ भी काम चला सकते हो। स्टॉक लेवल 3 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक के साथ पैराफेरल बहुत ही अच्छा काम करते हैं, अच्छा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। AR की गन लगभग ख़त्म हो गया, सब कुछ ही मैंने बता दिया। इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना, आप लोग पीरो प्लेयर ज़रूर बन जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले गेम प्ले में, कोई भी ऐसा वीडियो होगा तो मिलते हैं। और नेक्स्ट वाले में ऐसे मैं होप करती हूँ कि SMG के बारे में मैं कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैं पीरो प्लेयर बना दूँ। तो गाइस लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा भाई, नया चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, करना ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, जाके फॉलो करो। क्या कर रहे हो गाइस, इंगेजमेंट बढ़ाना है मेरे को, इंगेजमेंट बढ़ाना है। तो गाइस फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को, और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।